हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी, और वो भी एक सीक्रेट टिप्स के साथ। अगर आप ये भिंडी खाएंगे तो सारी भिंडी खाना भूल जाएंगे, जिस भी तरीके की आप भिंडी बनाते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिए मैंने भिंडी, तो भिंडी को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसको पोंछ लिया है, यानी ये गीली नहीं रहनी चाहिए। आपको भी पता है, अगर गीली रहती हैं तो ये चिपचिपी हो जाती हैं। फिर इस तरीके से इसके दोनों तरफ से डंठल काट के मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिया है मैंने बाउल, खाली बाउल ले लिया है, और ये है मसाला। तो ये है सीक्रेट मसाला। तो इसकी पूरी विधि मैं आपको नीचे लिखकर दे दूंगी, मैंने पहले भी दे रखी है आपको, तो आप इसको ये देख सकते हैं और ये मसाला बना सकते हैं। इस मसाले के साथ भिंडी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। फिर इसके बाद डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, तो ये मैंने आधा टीस्पून लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर इसके बाद डाल देंगे धनिया पाउडर, तो ये 1 चम्मच लिया है। नमक डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे ऑयल, जो भी आप ऑयल खाने में यूज़ करते हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर इन सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि ये थोड़े से गीले हो जाएं। और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले ली भिंडी, भिंडी को हम इस तरीके से बीच में से खोल लेंगे, और जो मसाला हमने बनाकर तैयार करा है वो इसके अंदर इस तरीके से हम भर देंगे। तो सभी भिंडियों के अंदर मैं इसी तरीके से मसाला भरकर तैयार कर लूँगी। तो ये ले ली मैंने कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिया है ऑयल। ऑयल को कर रहे हैं प्री हीट, यानी जो भी आप ऑयल खाते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का या रिफाइंड। तो अब ये भिंडी मैंने ये भर ली थी, तो अब एक एक करके हम इसके अंदर सारी भिंडियों को ट्रांसफ़र कर देंगे और इनको अच्छी तरीके से पका लेंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखना, एक और सीक्रेट चीज़ डलेगी इसके साथ, जिससे भिंडी का टेस्ट और भी टेस्टी हो जाएगा, यानी और भी बढ़ जाएगा। तो भिंडी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अचार का मसाला, यानी जो आम के अचार का मसाला होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, वो मैं डाल दूंगी। तो 1 चम्मच ही डालना है इसको, और ये मैंने पूरी भर के लिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट भिंडी को हम और पका लेंगे। तो मसाला हमारा इसके अंदर अच्छी तरीके से पक चुका है और भिंडी भी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी भिंडी बनाएं तो खोल के बनाएं, यानी ढक के ना बनाएं। अगर आप ढक के बनाएंगे तो ये लेस मार जाती है, यानी इसके अंदर से दाने से निकलने लगते हैं, यानी एक तार से निकलने लगते हैं। तो अब करते हैं इसको सर्व। तो हमारी यूनिक तरीके की भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ या पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी भिंडी पसंद है और इसकी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।